Hello friends, morning. Welcome back to the channel. This is Subrat. I'm working as associate in SBI. भाई बहुत सारे क्वारीज आ रहे हैं कि सर एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है क्या, कोरोना का जो हर एक स्टेट में लॉकडाउन अभी लग रहा है, नाइट कर्फ्यू आ रहा है, एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है क्या। बहुत सारे यूट्यूबर जो है पोस्टपोन के बारे में बता रहे हैं। देखो, अगर मैं एग्जाम पोस्टपोन की बात मैं डायरेक्ट करूँ टाइम वेस्ट ना करके, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको दो तीन पॉइंट बता रहा हूँ। एक फास्ट है जो यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो एग्जाम शेड्यूल है वो निकल चुका है और वहाँ से एक स्ट्रिक्टली एक जो नोटिफिकेशन जारी किया है हर एक स्टेट के लिए, कि अगर आपका स्टेट में लॉकडाउन है इसी टाइम में, आप ना किसी भी स्टूडेंट्स को रोक नहीं सकते। अगर वो अपना एडमिट कार्ड सबमिट करता है, एडमिट कार्ड शो करता है, आप उसको रोकेंगे नहीं, आपको वो एग्ज़ाम जाने देंगे, ठीक है। ये यूपीएससी का गाइडलाइन है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है, कल ही हमारा जो मेरा स्टेट है उड़ीसा, कल ही एक हमारा सर्कुलर आया है, एक जो कोरोना के लिए गाइडलाइन आया है, सारे स्कूल कॉलेज जो है 10 तारीख से बंद हो रहा है और होटल्स वगैरह बंद हो रहा है, सिनेमा हॉल ये सब मतलब बंद हो रहा है। बट जो एग्ज़ाम के लिए वो स्ट्रिक्टली वहाँ पर लिखा है, कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर फिजिकल एग्ज़ाम हो रहा है उसको मतलब पोस्टपोन नहीं होगा, उसको जैसे ही उसका शेड्यूल है वो शेड्यूल के हिसाब से ही होगा। सो इसका मतलब इससे पता चलता है भाई एग्ज़ाम इस बार पोस्टपोन नहीं होगा। हाँ, अभी तो ये लग रहा है, बट फ्यूचर में अगर कोरोना का स्थिति अभी तो ठीक ठाक है ना, फ्यूचर में अगर बढ़ता है तो फिर वो क्या होता है देखते हैं, बट अभी के लिए तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है हो रहा है। सो अपना जो पढ़ाई में फोकस कीजिए, यहाँ वहाँ से फोकस मतलब अपना दिमाग मत लगाइए। बस कुछ दिन रह गया आईपीएस पीओ का और आईपीएस क्लर्क का भी होने वाला है 25 तारीख को। अपना जो पढ़ाई 100% आप पढ़ाई में दीजिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। पोस्टपोन होता है भी आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक है। सो बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था आपको। अपना पढ़ाई जारी रखिए और अच्छे करिए एग्जाम में, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।